नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लिटरी माइंड में। दोस्तों हम बताएंगे आज की वीडियो में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट जब आप एडमिशन लेते हो उस टाइम पे आपको जरूरत पड़ती है हॉस्टल्स की, तो इससे रिलेटेड हॉस्टल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो सारी जो डाउट्स हैं इस वीडियो के थ्रू से जो है क्लियर की जाएंगी। सेशन 2019-20 डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, क्राइटेरिया क्या है, कैसे रिन्यू होता है हर साल, फॉर्म भरने का प्रोसीजर क्या होता है, कब फॉर्म भरना पड़ता है, तो ये सारी जो चीज़ें, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको लाइन वाइज जो है, एक एक पॉइंट वाइज जो है सारा कुछ बताया जाएगा। तो देख लेते इस वीडियो में इंट्रोडक्शन में क्या क्या आपको बताया जाएगा, व्हाट यू विल बी इन्फॉर्म्ड इन दिस वीडियो। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है इंट्रोडक्शन, जो मैंने आपको दे दिया है। इसके बाद बताया जाएगा कि कितने कॉलेजेस जो हैं DU के, लगभग 90 कॉलेजेस हैं DU में, तो सारे तो जो सारे जितने भी कॉलेजेस हैं 90 कॉलेजेस, वो सारे कॉलेज हॉस्टल जो है उनके पास नहीं है, सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो कौन कौन से कॉलेज जो है हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और उनमें कितनी सीट्स हैं, मेल के लिए कितनी है और फीमेल के लिए कितनी है, और कितने कॉलेज जो कोवाइड कॉलेजेस हैं उनमें मेल और फीमेल के लिए कितनी है, तो ये जो है इनकी सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसके अलावा कब अप्लाई करना पड़ता है हॉस्टल के लिए, जैसे अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन के लिए आपने अप्लाई कर दिया, तो इसके लिए अप्लाई कब करना पड़ता है, तो इसके लिए ये सारा कुछ बताया जाएगा आपको। इसके अलावा प्रोसीजर क्या होगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, ये भी बताया जाएगा। इसके बाद फिफ्थ जो पॉइंट होगा डिस्कस करने का, वो होगा पॉकेट फ्रेंडली प्राइस। कंपेयर करेंगे प्राइस वाइज कि कहाँ पे आपको सस्ता मिल सकता है हॉस्टल रिलेटेड टू योर कॉलेज, किस कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है वहाँ पे कितनी प्राइस लगभग हो सकती है, इसके बारे में जानेंगे। और हर साल, क्योंकि हर साल जो है आपका रिन्यू हो जाता है, अगर आप जैसे 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है, तो ये नहीं कि आपको परमानेंटली 3 साल, एक बार फॉर्म भरा आपने और 3 साल आपको रेगुलरली वही हॉस्टल मिल जाएगा। अगर आपके मार्क्स कम होते हैं, कम आते हैं ग्रेजुएशन कोर्स में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में या फिर थर्ड ईयर में, तो उसके हिसाब से जो है आपका जो है हॉस्टल जो है फैसिलिटी वो रद्द भी की जा सकती है अगर मार्क्स कम आते हैं। तो इसके बारे में भी बताया जाएगा कि रिन्यू कैसे होता है, इसके लिए प्रोसीजर क्या है। उसके बाद कुछ जो एक दो FAQs हैं, मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, वो भी डिस्कस किया जाएगा। तो लेट्स गो अहेड टॉक अबाउट कॉलेजेस ऑफरिंग हॉस्टल्स और उनके सीट्स के बारे में और कब अप्लाई करना पड़ता है। तो फिलहाल बात करते हैं सीट्स के बारे में एक बार। दोस्तों जब बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आते हैं और बाहर के स्टेट से, तो उनके सामने हॉस्टल ढूंढने में बहुत परेशानियां होती हैं, और सबसे बड़ी समस्या इस बात की आती है कि कौन सा कॉलेज उन्हें पॉकेट फ्रेंडली ऐसे एकोमोडेशन प्रोवाइड करा पाएगा। तो इसमें दोस्तों मैं आपको कुछ कॉलेजेस बताने जा रहा हूँ जो आपको हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो उसमें सबसे पहला जो मैं इस साल के बुलेटिन से बता रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के, भारती कॉलेज, जिसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हॉस्टल अवेलेबल है और इसमें टोटल 52 सीट्स हैं। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए 90+90 सीट्स अवेलेबल है। इसके अलावा दौलतराम कॉलेज है जो कि एक फीमेल कॉलेज है, इसमें टोटल आपके पास फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए सीट्स अवेलेबल है और टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 202। हंसराज कॉलेज सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है और इसके पास भी सीट्स है 202। हिंदू कॉलेज, इसके पास ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स को हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है और इसके पास मेल के लिए 225 सीट्स जबकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 154 सीट्स हैं। इसके अलावा इंद्रप्रस्थ कॉलेज जो थोड़ी नॉर्थ कैंपस से थोड़ी दूरी पर है, इसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स है कहे तो फीमेल्स के लिए, क्योंकि एक फीमेल कॉलेज है और इसके पास 450 नंबर ऑफ सीट्स है जो कि हाईएस्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी गर्ल्स कॉलेज के पास। इसके किरोड़ी मल कॉलेज सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को सीट्स प्रोवाइड कॉलेज की हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है और इसके पास टोटल नंबर ऑफ सीट 180 है। लेडी श्री राम कॉलेज, ये भी एक फीमेल कॉलेज है तो इसके पास भी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सीट अवेलेबल और टोटल नंबर ऑफ सीट 295 है। लेडी इरविन कॉलेज एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है और इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सीट्स अवेलेबल है 170। मिरांडा हाउस, ये भी एक फीमेल कॉलेज है और ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स को हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है और इसके पास टोटल नंबर ऑफ सीट 361 है। रामजस कॉलेज एक नॉर्थ कैंपस कॉलेज है जो कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स को कॉलेज की फैसिलिटी हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल कराता है, इसके पास मेल के लिए 86 जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए 116 सीट्स है। श्रीराम कॉलेज, ये भी दोनों मेल और फीमेल कैंडिडेट्स को सीट प्रोवाइड कराता है और इसके बाद मेल के लिए 53 जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए 145 सीट्स है। वेंकटेश जो एक साउथ कैंपस का कॉलेज है, ये दोनों मेल और फीमेल कैंडिडेट्स को हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल कराता है, इसके बाद मेल के लिए 75 जबकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 72 सीट्स है। गुरु तेग बहादुर खालसा जो कि नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, इसके पास
फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही सीट्स अवेलेबल है जो कि है 147। महाराजा सेन के पास भी सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सीट्स अवेलेबल 51 सीट्स। केशव महाविद्यालय ये भी सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स को ऑफर करता है 78 सीट्स। शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ वुमेन ये भी वुमेन्स को ही सीट्स प्रोवाइड कराता है हॉस्टल की फैसिलिटी, इसके पास टोटल नंबर सीट 119 है। इसके अलावा श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज जो कि एक माइनॉरिटी कॉलेज है, सिख माइनॉरिटी कॉलेज, इसे ये भी सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स को हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है और उसके बाद टोटल नंबर सीट 125 है। इसके अलावा शहीद सुखदेव सिंह जो कि एक दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर कॉलेज है, ये भी आपको सिर्फ दोनों मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल कराता है। इसमें डिवीजन नहीं दे रखा लेकिन टोटल 108 सीट्स है इसके पास अवेलेबल। इसके बाद हम बात करेंगे और अगला हमारा नेक्स्ट स्टेप है अभी हम कब अप्लाई करें। तो दोस्तों इसके इसके लिए हम बताएंगे कि जब हॉस्टल के फॉर्म निकलते हैं ठीक उसी के साथ साथ जब आप यूजी के लिए एडमिशन लेने जाएंगे कॉलेजेस में उसके साथ साथ आपको हॉस्टल के भी फॉर्म निकले होते हैं तो उसी समय आपको भरना। अगर आप मिस करते हैं चांस तो फिर शायद आपको एक साल के लिए इंतजार करना पड़े क्योंकि कई कॉलेज है जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है और इसके लिए आपको कुछ कॉलेज क्राइटेरिया फॉलो करती है जिसमें मेन क्राइटेरिया होता है आपका मार्क्स, ट्वेल्थ में आपने कितना स्कोर किया है। और इसके अलावा दूसरा क्राइटेरिया जो दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉलो करती है वो है कि आप कितनी डिस्टेंस है आपका जो घर है वो कितने डिस्टेंस पे है दिल्ली से। तो ये भी एक बड़ा क्राइटेरिया होता है कि आपका आपका घर कितनी दूरी पर है। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आपको हॉस्टल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कराई जाती। इसके अलावा फिर हम प्रोसीजर्स और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात करेंगे। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात करें तो सबसे जो मेन चीज आता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। तो उसमें पहली जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी होती है मार्क्सशीट, टेंथ और ट्वेल्थ की मार्क्सशीट। उसमें बेटर मार्क्स अगर आपने स्कोर करें तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपको हॉस्टल की जो है फैसिलिटी वो मिल जाए। उसके बाद सेकंड जो डॉक्यूमेंट है वो है फी रिसिप्ट। फी रिसिप्ट यानी कि जो आपको एडमिशन के बाद जो फी रिसिप्ट मिलती है एक या दो दिन में मिल जाता है आपके एडमिशन के होने के बाद ही, जब आप फी सबमिट कर देते हो कॉलेज की तो उसी के बाद मिल जाता है तो फी रिसिप्ट वो भी रिक्वायर्ड होगी इसके साथ ही। तीसरी चीज वो है पासपोर्ट साइज फोटो। चौथी चीज है वो कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए और रिसेंट का होना चाहिए। और उसके अलावा डोमिसाइल, ये तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये ही आपको प्रूफ करेगा कि आप बाहर के किसी स्टेट से या फिर दिल्ली से दूर रहते हो आप। यही जो चीज है ये मेन इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करेगी आपको हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए। और लास्ट जो है आइडेंटिटी प्रूफ, यू कैन से आधार कार्ड या फिर कुछ भी वोटर आई डी कार्ड वगैरह आपके पास हो। तो ये थी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। और इसके अलावा बात करेंगे हम प्राइस के बारे में। तो प्राइस की बात करें तो दोस्तों जब आप किसी भी अदर अकोमोडेशन पीजी लेकर रहते हैं तो आपको ये काफ़ी महंगा पड़ जाता है। और आपके पास जब आप बाहर के स्टेट से आप सोचते हैं पॉकेट फ्रेंडली, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेसिकली जो कॉलेज का एवरेज हम हॉस्टल की फी बात करें तो नॉर्मली आपको एक सेम के लिए 50,000 तक का पेमेंट करना पड़ सकता है जो कि आप इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो अगली बात है रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी एक बहुत अहम चीज़ है। आप यदि सोच रहे हो कि आप हॉस्टल में आते ही आप 3 साल के लिए सिक्योर हो जाते हैं तो इसके लिए आप बिल्कुल भी आप गलत सोच रहे हैं क्योंकि रिन्यूएबिलिटी आपको हर साल आपके मार्क्स पर डिपेंड करती है। आप यदि अच्छे मार्क्स नहीं कर पाते सिक्योर तो आपको हॉस्टल की सिक्योरिटी हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी और आपको हॉस्टल क्योंकि एक मिनिमम हर कॉलेज अपने एक मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायर करता है हॉस्टल के लिए। अब बात करेंगे हम कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है जैसे कि बच्चे पूछते हैं अगर हम कहीं और एडमिशन लेते हैं और किसी और कॉलेज में हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर लेना चाहते हैं तो क्या हम ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको उसी कॉलेज में हॉस्टल की फैसिलिटी मिल सकती है जिसमें आप एडमिशन ले चुके हो। तो फिलहाल दोस्तों हमने सारी जो पॉइंट्स जो जितने भी पॉइंट्स है 7 के 7 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी और सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स थी आपके डाउट जितने भी थे रिलेटेड टू हॉस्टल्स एंड एडमिशंस यूजी एडमिशंस दिल्ली यूनिवर्सिटी 2019-20 आई होप कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। कब अप्लाई करना है, प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, प्राइस कितना होता है लगभग, रिन्यूएबिलिटी और FAQs, वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। और इसके अलावा इसी टाइप की वीडियोस से कनेक्टेड होने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आई होप कि ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।